हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथमेटिक्स क्लास वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम, एंड आई होप यू ऑल हैव डन वेरी वेल इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, that is division, chapter number 6, and this is on page number 98, division. My dear students, division means bhag. Division ko hindi mein kya bolte hain? Bhag. Okay, so division means repeated subtraction, or you can say division is a short way of repeated subtraction. As we have studied in previous chapter multiplication, that multiplication is repeated addition. Multiplication is short way of repeated addition. So similarly, division is repeated subtraction. Mean to say ki multiplication kya tha? Repeated addition. Kisi bhi number ko hum baar baar add kare, kisi bhi diye hue number ko hum baar baar add kare, to add karne pe hume jo answer find out hoga, wahi same answer hume tab bhi milega jab हम उस नंबर को उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते हैं। बट मल्टीप्लाई में हमें बहुत ही क्विक वे में, मीन्स बहुत ही जल्दी हमें आंसर फाइंड आउट हो जाता है। जो एडिशन हम बार 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 उसको ऐड करेंगे, तब हमें जाके आंसर जो मिलेगा, वही सेम आंसर हम उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जो डिवीज़न होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, मीन्स कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को बार बार माइनस करने पे हमें जो आंसर मिलेगा, वही सेम आंसर हमें उस नंबर से डिवाइड करने पे भी फाइंड आउट होगा। ओके, तो हम किसी भी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है कि हम जल्दी से उसको डिवाइड कर लें और हमें बहुत ही जल्दी उसका आंसर भी मिल जाएगा। ओके, और डिवीजन इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर इन ईच ऑफ द इक्वल ग्रुप्स। मींस कि डिवीजन का यूज इसलिए भी किया जाता है कि एक इक्वल ग्रुप में से, मींस कि किसी भी चीज को इक्वल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी डिवीजन का यूज किया जाता है। Suppose you have 18 cakes and want to make 6 equal groups. Suppose that कि आपके पास 18 cakes हैं और आपको 6 equal group बनाने हैं। Okay? So take 6 plates and put equal number of cakes on each plate. अगर आपको 6 equal group बनाने हैं तो हम क्या करेंगे कि 6 प्लेट ले लेते हैं और उसमें 18 केक के पीस को अलग अलग सब में 6 प्लेट में अलग अलग हम रखते हैं। सो इन फिगर यू कैन सी, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 6 प्लेट्स लिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, और 18 केक के पीस को हमने अलग अलग रखा हुआ है। तो अब हमें ये बताइए कि एक प्लेट में कितने केक के पीस हैं। सो 1, 2 एंड 3, मीन्स कि एक प्लेट में 3 केक्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी ग्रुप्स हैव यू मेड? आपने कितने ग्रुप बनाए हैं? हाउ मैनी ग्रुप्स हैव यू मेड? सो वी हैव मेड 6 groups,
हमने 6 ग्रुप बनाए हुए हैं, ओके। एंड हाउ मेनी केक्स आर देयर इन ईच ग्रुप, मीन्स कि एक ग्रुप में कितने केक्स हैं, मीन टू सी कि एक प्लेट में कितने केक्स हैं। सो 1, 2 एंड 3, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, ओके। सो इन डिवीजन फॉर्म वी कैन राइट 18 डिवाइडेड बाय 6, ओके। हम ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक प्लेट में कितने केक्स होंगे, इसको हम मीन्स कि हमने इतना प्रोसेस किया, ये प्लेट लिए, फिर अलग अलग केक्स को रखा, तब हमें फाइंड आउट हुआ कि एक प्लेट में या एक ग्रुप में कितने केक्स होंगे, है ना। हम इसका डायरेक्टली बस शॉर्ट वे में बहुत ही जल्दी से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, लुक हियर, टोटल नंबर ऑफ केक्स, सो टोटल नंबर ऑफ केक्स 18, टोटल कितने केक्स थे 18, ओके। एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप मीन्स कि हमें कितने ग्रुप्स बनाने थे, सो 6, हमें कितने ग्रुप्स बनाने थे 6, सो द नंबर ऑफ केक्स इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ केक्स इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू 3। एंड हमें बहुत ही मीन्स कि 6 से जब हमने 18 को डिवाइड किया तो हमें क्या आंसर मिलता है 3, है ना। 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3, सो नंबर ऑफ केक्स इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू 3, ओके। सेकंड इज डिवीजन इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स। डिवीजन का यूज इसलिए भी किया जाता है कि किसी भी थिंग्स को इक्वल ग्रुप में रखने के लिए। सपोज देयर आर 18 केक्स एंड यू वांट टू पुट देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 6। सपोज कीजिए कि आपके पास 18 केक्स हैं और आप इन्हें 6 के ग्रुप में रखना चाहते हैं। सो फर्स्टली हम 3 प्लेट्स लेंगे और इन 3 प्लेट्स में 6 केक के पीस को या 6 केक को रखेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम केक को 6 के ग्रुप में रख रहे हैं तो यहाँ पे कितने प्लेट्स हुए, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे टोटल 3 प्लेट्स हुए, 1, 2 एंड 3, और इन सब में कितने का ग्रुप है केक का, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केक्स आर देयर इन ईच ग्रुप, मीन्स कि एक ग्रुप में कितने केक हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। एंड क्वेश्चन सेकंड, हाउ मेनी ग्रुप्स डिड यू मेक, आपने कितने ग्रुप्स बनाए। सो 1, 2 एंड 3, मीन्स 3 ग्रुप्स, ओके। सो वी राइट द अबव एज अ डिवीजन फैक्ट, एज अंडर 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ केक्स 18 एंड नंबर ऑफ केक्स इन ईच ग्रुप 6, नंबर ऑफ केक्स इन ईच ग्रुप 6, सो 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3, सो 3 इज द नंबर ऑफ ग्रुप, ओके। सो 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो रिटेन एज, हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ओके। सो इन द डिवीजन फैक्ट 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3, 18 इज कॉल्ड द डिविडेंड, हम 18 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। 6
कॉल्ड द डिवाइजन, सिक्स को डिवाइजर। एंड थ्री इज कॉल्ड द कोशेंट, मीन्स कि जो हमारा आंसर फाइंड आउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिवीजन। ओके, सो लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 6A। इन एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ डिवीजन फैक्ट टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर, मीन्स कि हमें स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रही है उसको, उसके लिए हमें एक डिवीजन फैक्ट को राइट करना है। ओके, सो फर्स्टली टेल मी हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर, यहाँ पे टोटल कितने ऑरेंजेस हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12, सो देयर आर टोटल 12 ऑरेंजेस। ओके, एंड नंबर सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर, सो वी कैन सी देयर आर 6 ग्रुप्स, देयर आर 6 ग्रुप, सो वी कैन राइट डिवीजन फैक्ट फॉर 12 मल्टीप्लाई बाय 6, मीन्स कि 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। जब हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर फाइंड आउट होगा, 2, 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। इसको हम एक दूसरे वे में भी राइट कर सकते हैं, कैसे, टोटल 12 ऑरेंजेस हैं और एक प्लेट में या एक सर्कल में कितने ऑरेंज है, 2। ओके, सो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, मीन्स 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल ग्रुप कितने हैं। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चन मीन्स 2 एंड 3 यू हैव टू सॉल्व एंड दिस इज योर होमवर्क। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिवीजन एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी हाउ वी विल डिवाइड, मीन्स कि आज हमने केवल इतना ही पढ़ा है कि डिवीजन क्या होता है, डिवीजन कैसे किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।